अब से कुछ ही घंटों बाद अमरावती मनपा की आम सभा होगी। बुधवार को होने जा रही आम सभा भारी हंगामेदार रहने की आशंका आम सभा की जंबो प्रश्न पत्रिका देख व्यक्त हो रही है। अनेक सदस्यों ने शहर स्वच्छता, लेडीज फाइबर टॉयलेट, हाइड्रोलिक ऑटो बाबत मनपा के सभापति पटल पर सवाल रखे हैं, जिसके जवाब मनपा की कार्यक्षमता सिद्ध करने वाले होंगे। उसी से भारी हंगामा होने की आशंका है। देखते हैं आखिर होता क्या है बुधवार की आम सभा में। देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में। एक नजर महानगर के अन्य मुख्य खबरों पर। इरविन अस्पताल प्रशासन घोर लापरवाही भरा व्यवस्थापन चला रहे हैं। यहां किसी का किसी पर अंकुश नहीं रहा। इस इरविन अस्पताल में मरीजों के मदद के लिए वार्ड बॉय नियुक्त है, लेकिन ये वार्ड बॉय सिर्फ पगार लेने आते हैं, तभी दिखते है, बाकी समय गायब रहते हैं। जिस ठेकेदार ने ये कर्मचारी का ठेका लिया है वह भी इस ओर अनदेखी ही करते हैं। ऐसा है इस जिला सामान्य अस्पताल का व्यवस्थापन, है ना कमाल का। जिम्मेदार अधिकारी को ही इस पर ध्यान देना होगा, लेकिन वे है कहाँ, ये भी गहन चिंता का विषय है। श्री पांडे हनुमान मंदिर महेंद्र कॉलोनी में मार्गशीर्ष शुद्ध मोक्षदा एकादशी गीता जयंती से मार्गशीर्ष तृतीया तक श्री शिव पुराण ज्ञान यज्ञ हरिनाम सप्ताह का आयोजन जारी है। श्री कैलाश महाराज चांदुरकर के मुखारविंद से यहां शिव पुराण का पठन हो रहा है, जिसका भाविक लाभ ले रहे हैं। बरेच ठिकाणी आमच्या गावाला सुद्धा माझ्या गावाला इकडे काशी म्हटलं जाते माझ्या क्षेत्राला रम्याला, कारण दूर दूरचे महामंत जेव्हा पायी होते ना इथे रिद्धपूरला जातात, तेव्हा माझ्या गावाला येतात सर्व वारकरी, जेवढे महामंत त्यांची पूर्ण व्यवस्था होते आमच्या गावामध्ये अन्नदान वगैरे सगळं। आणि तिथे वटेश्वराचं मंदिर आहे, इकडे रम्याचं कोणीच नाही, माझ्या गावचं कोणीच नाही का, इथे सगळे बाहेर गावचीच मंडळी आहे। तर माझ्या गावाला महानपंत मोठा मोठा आहे, तिथे वटेश्वर महाराज त्यातले चक्रधर स्वामींचं आहे, आणि त्यांना शेजारी शेजारी सुंदर शिवलिंगाचं असं महादेवाचं मंदिर एकत्र आहे। माझ्या गावात हा संदेश देत आहे, ते मंदिर देत आहे की भेदभाव नाही आहे, अद्वैतवाद, आम्ही दोघं जण एकच आहोत। रामचंद्र सुद्धा उपासना करतात भोलेनाथांची, श्रीकृष्ण सुद्धा, सर्व शक्ती सुद्धा भोलेनाथांचं सान्निध्य, की आमचे ज्ञानोबार आहे भगवान विष्णूंचा अवतार, पण जेव्हा त्यांनी समाधी संजीवन समाधी घेतली तेव्हा आळंदी क्षेत्रामध्ये सिद्धेश्वराच्या शेजारी घेतले, 84 सिद्धांत सिद्ध भेटी मिळा तो सुखसोहळा काय वाणू असं सिद्धेश्वराचं त्या ठिकाणी आहे की नाही, गेले असाल ना आळंदीला, हां शेजारी आहेत, मग आपण काय दूर दूर आता, हा भेदभाव करू नका। बुधवार को बैंकों की हड़ताल तय है। कर्मचारी यूनियन और बैंक प्रबंधनों की सुलह बैठक बेनतीजा रहने से कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हैं। बैंक प्रबंधन वेतन भत्ते में वृद्धि करे ये मांग कर्मचारियों ने रखी है, लेकिन बैंक प्रबंधन सिर्फ 5% वृद्धि को तैयार है, जिसका विरोध करते बैंक कर्मचारियों ने लामबंद होकर हड़ताल का ऐलान कर दिया। अब बुधवार को राष्ट्रीयकृत बैंकों में ताले रहेंगे। चलिए बुलेटिन में आप देखते हैं कि आज हमारे कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता इन्होंने सिटी न्यूज़ के कार्टून कोना के लिए किस वस्तुस्थिति पर व्यंग बयान खींचे हैं। बुलेटिन में बारी फेसबुक दर्पण की, रूबरू होते हैं हमारे फेसबुक पर दोस्तों की हलचलों से। कैसा रहा मंगलवार को दिन भर के मौसम का हाल, कैसा रहेगा बुधवार को मौसम का मिजाज, एक नजर में मौसम की खबर। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 29 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान रहा 14 डिग्री सेल्सियस। बात करें बुधवार की तो बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
बुलेटिन में अब बारी है आज के सुविचार की। आज का सुविचार कहता है कि विपत्तियों को सहने का बल केवल ईश्वर की याद से ही मिलता है। चलिए अब देते हैं उन्हें बधाइयां जिनका आज जन्मदिन है। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें सिटी न्यूज चैनल की ओर से हार्दिक बधाइयां। आपको आपका जन्मदिन मुबारक हो, यही कामना सिटी न्यूज चैनल परिवार की है। तो दर्शकों देते हैं खबरों को विराम। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अंत में एक बार फिर बुलेटिन की हेडलाइंस। हाई कोर्ट ने खुलवाए मेडिकलों के ताले। मंगलवार से खुल गए मेडिकल, गुरुवार को होगी केमिस्टों की मुद्दों पर चर्चा। सिटी न्यूज के बुलेटिन का असर, साफ हो रहा अतिक्रमण, खुली खुली लग रही सड़कें। रिश्वतखोर बिजली अभियंता गिरफ्तार, 35,000 की रिश्वत लेते दबोचा गया एंटी करप्शन के दस्ते ने। किसान मित्रों का महत्वपूर्ण मंथन चर्चा सत्र, हो रही किसान हित की गहन चर्चा। हाई स्पीड से दौड़ रहे मारुति ने उड़ाया दो दुपहिया को, बाल बाल टली बड़ी दुर्घटना। दर्शकों सिटी न्यूज के बारे में आपके अमूल्य विचार एवं सुझाव सादर आमंत्रित। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन 77 अमरावती। हमारा फोन नंबर 2570322 छः और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net.in। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम एवं खबरें निरंतर जारी है। ताजा तरुण खबरों के लिए बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।